केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को नॉमिनेशन दाखिल किया। अमेठी के साथ ही राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में चर्चा इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत की वायनाड सीट का ही चुनाव क्यों किया। क्या किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? आइए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि कांग्रेस वायनाड से राहुल की जीत क्यों पक्की मान रही है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ, जबकि दूसरी तरफ है लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ। यूडीएफ में कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी शामिल है। वायनाड जिले की आबादी 8.18 लाख है। मुस्लिम आबादी करीब 28.65% है, जबकि ईसाइयों की तादाद करीब 21.34% है, जबकि हिंदुओं की आबादी करीब 49.28% है। हिंदुओं में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी 3.99% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की तादाद 18.53% है। कांग्रेस को लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समर्थन से उसे मुस्लिमों के 28.65% वोट का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि 21.34% ईसाइयों को कांग्रेस अपना परंपरागत वोटर मानती है। साथ ही कांग्रेस को लगता है कि अगर राहुल गांधी दक्षिण भारत से लड़ेंगे तो यहां पर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल सकती है। वायनाड की सीट पर 28% मुस्लिम और 22% ईसाई हैं और बाकी सब वहां पर अन्य हिंदू जाति के लोग। वहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहां पर 28% मुस्लिम आबादी है, 22 क्रिश्चियन है और लगभग 50% के आसपास अन्य धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू जाति में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और बाकी सब समुदाय के लोग हैं। तो ये मुसलमान मुसलमान करना बंद करें, हम हिंदू मुसलमान चुनाव में नहीं करते, हिंदू मुसलमान सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं चुनाव में। और उन्होंने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगा हो। हमारी तो मांग है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से कि श्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रचार को रोका जाए, क्योंकि वो इस वक्त धर्म के नाम पर विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, केरल में हमेशा हमारी लड़ाई लेफ्टिस्टों से थी और भारतीय जनता पार्टी तो वहां है ही नहीं। हम पहले भी लेफ्टिस्ट से लड़े हैं और आगे भी लेफ्ट से लड़ेंगे। और इस बार क्या मैं जैदी साहब से पूछ रहा हूं, आप क्या हमें चाहते हैं कि हम आपको वॉकओवर दे दें? अगर राहुल जी नहीं खड़े होते, क्या कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा होता? कैसी बातें कर रहे हैं? पिछली बार भी हम आपसे लड़े, इस बार भी लड़े, जहां आप होंगे हम आप ही से लड़ेंगे सर। और रही बात जब राष्ट्रीय स्तर पर बात आएगी तो ये आपको भी तय करना है। देश की जिम्मेवारी जितनी हमारी है उतनी लेफ्ट की भी जिम्मेवारी है, इस बात को याद रखना होगा। आप ये तय हो गया है कि ये अब इन्हें सोचना पड़ेगा कांग्रेसियों को, जो लेफ्ट इनका जनाजा ढोता था, अब वो ढोने के मूड में हम नहीं। क्यों? कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी हारे, कांग्रेस बल्कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर ये चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ खिलाफ लड़ना है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के सट्टे बट्टे, दोनों दक्षिण पंथी पार्टी है। ये देश को सोचना है और ये कह रहे हैं कि बलियाना हाशिम पुना याद न दिलाऊं तो भिवंडी और भागलपुर याद दिला देता हूं, बिजनौर और मुरादाबाद भी याद दिला देता हूं। ये सब आपके कार्यकाल के अंदर हुए, जहां मुसलमानों की आपने पूरी एक कत्लेआम किया था और उसके बाद आप मुसलमानों के वोट मांगने के चले जाते हैं, जहां 53% मुस्लिम है। हमें नहीं मालूम, हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट ना हो, ये तो हमारी मांग है। जात बिरादरी के नाम पे वोट नहीं होने चाहिए, हम तो कहते हैं कि कॉलम के अंदर भी नहीं लिखा जाना चाहिए हिंदू मुसलमान। लेकिन ये आपने किया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर तो गौर कर लीजिए, क्योंकि आपका नजर आता है कि आपने आज तक क्या किया है। मैंने आपसे फिर स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस हरी घास में हरा साफ है और बीजेपी हरी घास में काला है, लेकिन ये हरी हरा साफ जो है वो मेरा घास से बाहर आ गया, जो नजर आने लगा कि हाँ ये भी एक नाग है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई, तब से अब तक इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। इस सीट के तहत 3 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस भले ही वायनाड को मजबूत गढ़ मान रही है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे यहां पर नाको चने चबाने पड़े थे। कांग्रेस के एमआई शानवास ने सीपीएम के सत्यन मोकेरी को सिर्फ 20,870 वोटों से हराया था। मोदी लहर में 80,752 वोटों के साथ बीजेपी तीसरे स्थान पर थी। वायनाड लोकसभा सीट पर 2009 में पहली बार संसदीय चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के एम वाई शानवास ने सीपीआई के एम रहमतुल्ला को 1,53,439 के भारी अंतर से हराया था। इस बार सीपीआई ने पीपी सुनीर को वायनाड से मैदान में उतारा है।
राहुल गांधी की उम्मीदवारी से सीपीआई बुरी तरह से बौखलाई हुई है। हमारा ये मानना है कि ये बड़े अफसोसजनक बात है कि राहुल गांधी जी ने वायनाड से लड़ने का निर्णय किया। ये कांग्रेस अब निर्णय कर ले कि इनको देश में बीजेपी को भगा के देश बचाना है, बीजेपी और आरएसएस की सांप्रदायिकता और फांसीवादी प्रवृत्तियों और उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ना है या वामपंथियों के खिलाफ लड़ना है। निश्चित तौर पर ये इनका जनवादी अधिकार है, ये लड़ रहे हैं, वहाँ से लड़ें। पर हमारे कॉमरेड सुनील जो सीपीआई के कैंडिडेट है वायनाड से, हम जीतेंगे। 7 में से 5 MLA वहाँ पे सीपीआई के हैं और हर हालत में हम जीतेंगे वहाँ से, हारने का मतलब नहीं। और निश्चित तौर पे इससे सिग्नल जो है पूरे देश में गलत जाता है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा को हराना इस देश में बहुत ज़रूरी है और हम अभी भी कमिटेड है सीपीआई इस बात के, वामपंथी पार्टियाँ, कि देश में भाजपा को भगाने के लिए एंटी भाजपा वोटों को बटने से बचाना चाहिए था। पर अफसोसजनक बात है कि कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी नीति अपनाई है जिसमें वो भाजपा विरोधी वोटों को बांटने की बजाय अपनी सीटों को ज़्यादा देख रहे हैं, जबकि उनको अपना भी देखना चाहिए।